बीए के बाद एमए किया जाए या एमबीए? बीए के खत्म होते होते ये सवाल ज्यादातर कैंडिडेट के मन में घूमने लगता है, क्योंकि बीए के बाद ऐसा तो नहीं है कि झट से कोई नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद कोई ना कोई कोर्स तो करना ही पड़ेगा, इसलिए एमए किया जाए या एमबीए, इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा, पूरे तथ्यों फैक्ट के साथ आपको समझाएंगे, इसलिए इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि आखिर बीए के बाद आप क्या करना चाहते हो। आपको सरकारी नौकरी की तरफ जाना है या प्राइवेट नौकरी करनी है, या ऐसे ही अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना है। इन सभी बातों पर ही डिपेंड करता है कि आपको एमए करना चाहिए या एमबीए। ठीक है, तो अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, आप बीए के साथ साथ किसी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एमए आपके लिए सही रहेगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश या हिंदी विषयों से आप एमए कर लीजिए, सही रहेगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट नौकरी करनी है, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एमबीए सही रहेगा। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, आईएएस, इन ट्रेड से आप एमबीए कर लीजिए, सही रहेगा। लेकिन अगर ऐसे ही आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखनी है, आपको कोई आसान सा कोर्स करना है, तो इन दोनों में एमए करना सही रहेगा, क्योंकि एमए एमबीए से आसान होता है। अब सीधे नौकरी की बात करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको पुलिस विभाग में जाना है तो एमए करना सही रहेगा। सरकारी टीचर बनना है तो भी एमए सही रहेगा। वैसे एमबीए करके भी आप बड़े बड़े कॉलेजों में प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। सरकारी बैंक में नौकरी करनी है तो एमए करना सही रहेगा। वैसे एमबीए फाइनेंस से करने के बाद भी आप प्राइवेट बैंक में अच्छे पद पर नौकरी पा सकते हैं। आपको मार्केटिंग फील्ड में जाना है या अपना बिजनेस शुरू करना है, तो भी एमबीए की तरफ जाना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के अंतर को जान लीजिए, आपको थोड़ी और क्लैरिफिकेशन इन दोनों कोर्स के बीच हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एमए और एमबीए दोनों दो दो साल के कोर्स हैं, दोनों में चार चार सेमेस्टर होते हैं, लेकिन एमबीए कोर्स का खर्चा एमए से बहुत ज्यादा होता है। एमए में जहां दो साल का खर्चा 40,000 से 70,000 रुपए के बीच में आता है, वहीं एमबीए का दो साल का खर्चा 1,00,000 से 3,00,000 रुपए के बीच में आता है। वैसे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमबीए करने के बाद आपको जल्दी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एमए करने के बाद ऐसा नहीं होता। इसे करने के बाद या तो आपको सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी होगी, या फिर आपको नौकरी के लिए कोई और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, अब हमने तो आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बता दिया, अब सोच समझ कर अपने हिसाब से कोर्स को चुनिएगा। और अगर किसी और नौकरी के लिए आप जानना चाहते हैं कि उसके लिए आपको इन दोनों में से कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, तो उसके लिए आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। बाकी इससे संबंधित कोई और तरह का कोई भी सवाल है तो भी आप हमें बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।